हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पॉलीनोमियल। ओके, आई हैव एक्सप्लेन यू व्हाट इज पॉलीनोमियल। ओके, एंड क्या कहते हैं टर्म्स ऑफ द पॉलीनोमियल, कोफिशिएंट ऑफ द पॉलीनोमियल एंड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलीनोमियल। नाउ नेक्स्ट इज name of the polynomial, first monomial, ठीक है ना। मोनोमियल का मतलब पॉलीनोमियल हैविंग वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। द पॉलीनोमियल हैविंग वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर, 3x³, 4x² एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दे हैव वन टर्म, ओनली वन टर्म। आई हैव टू एक्सप्लेन यू टर्म, व्हाट इज द टर्म। ओके, दिस वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। मोनो, यू ऑल्सो नो द मोनो मीन्स ओनली वन। Mono means one. So monomial is one term polynomial. Second is binomial. Binomial mein the polynomial having two terms is called binomial. The polynomial having two term is called binomial. For example, x plus 2 terms हो गए, और 3x² प्लस 4, 6x⁵ प्लस 7 एक्सेट्रा, आर दे आर टू टर्म्स, 1, 2, 1, 2, 1, 2, दिस आर द टू टर्म्स, दीज आर कॉल्ड बायोनोमियल। थर्ड इज ट्राइनोमियल। The polynomial having three terms are called trinomial. For example, x² plus 5x plus 6. Again, x³ plus 2x plus 3. Or ax plus by plus c. They are the trinomial. And fourth is multinomial. A polynomial having more than three terms are called multinomials. A polynomial
having more than three terms is called multinomial. ओके, इसमें तीन से ज्यादा टर्म अगर किसी पॉलिनोमियल में है तो उनको आप मल्टीनोमियल बोलेंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल एक्स टू दी पावर फोर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस डी मोर देन थ्री टर्म्स के लिए है, ठीक है। इस तरीके के अगर जिनमें चार टर्म्स हो जाएंगे, तीन से ज्यादा टर्म्स हैं, चार पांच छह कुछ भी हो जाए, उनको आप मल्टीनोमियल्स बोलेंगे। ओके, तो क्या क्या बताया मैंने, मोनोमियल्स हैविंग वन टर्म्स, बाइनोमियल हैविंग टू टर्म्स, ट्राइनोमियल हैविंग थ्री टर्म्स एंड मल्टीनोमियल हैविंग मोर देन थ्री टर्म्स आर कॉल्ड मल्टीनोमियल्स। नाउ टाइप्स ऑफ डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल, अब क्या है डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल, डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल मीन्स द हाइएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है ना। द हाइएस्ट एक्सपोनेंट इन वेरियस टर्म्स, हाइएस्ट एक्सपोनेंट इन वेरियस टर्म्स ऑफ द वेरिएबल इन ए पॉलीनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल। द हाइएस्ट एक्सपोनेंट मीन्स जैसे यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब प्लस टू एक्स प्लस थ्री, तो ये क्यूब क्या है, हाइएस्ट पॉलीनोमियल है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, थ्री, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है, तो इसमें दो वेरिएबल हैं, तो डिग्री किसकी पूछी जाए इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जैसे हमने लिखा है थ्री सिक्स एक्स टू पावर फाइव प्लस सिक्स, तो यहाँ हाइएस्ट डिग्री क्या है, हाइएस्ट एक्सपोनेंट फाइव है, तो इसकी डिग्री फाइव होगी, ठीक है ना। इस तरीके से जो भी एक्सप्रेशन लिखा हो उसमें जिसकी जो हाइएस्ट एक्सपोनेंट है वही उसका क्या कहते हैं, डिग्री होगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, द हाइएस्ट एक्सपोनेंट in various terms of the variable in various terms of the variable various terms of the variable in a polynomial is called degree of the polynomial, ठीक है। क्या कह रहे, the highest exponent of various terms of variable in a polynomial is called the degree of polynomial। मैंने बताया कि देखिए different types के variables हैं, उनमें जो variable का degree सबसे highest है और पावर सबसे हाईएस्ट है वही उसका क्या कहते हैं, डिग्री होगा। तो आप एग्जांपल कुछ लिख लें इसमें, जैसे 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो इसमें क्या है x टू पावर 2, तो इसकी डिग्री क्या होगी, डिग्री क्या है इसकी, 2 है कि नहीं। अगर इसी तरह हम लिख दें 5x टू दी पावर 10 प्लस 6x प्लस 1, ठीक है ना, यहाँ डिग्री क्या होगी, हाईएस्ट पावर 10 है तो इसके लिए डिग्री होगी 10, है कि नहीं। इसी तरीके के बहुत सारे क्या कहते हैं आप प्रॉब्लम्स आएंगी जिनमें आपको अगर डिग्री पूछा जाता है तो जो आपका हाईएस्ट एक्सपोनेंट हो उसी को बोल दीजिए कि वो डिग्री आपकी पॉलीनोमियल है, ठीक है ना।
अब डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल के बाद जो है अब है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में देखिए, ठीक है, फर्स्ट है लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री वन इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री वन इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल एक्स प्लस वन या टू एक्स प्लस फाइव, ठीक है ना, या ए एक्स प्लस बी, सब में डिग्री क्या है, वन है, ठीक है ना. तो इसमें क्या कहते हैं, इनको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल. अब सेकंड क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, तो क्या कहते हैं, अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री टू इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री टू इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स, या क्या कहते हैं, इसी तरीके के और जो हो सकते हैं कि टू एक्स स्क्वायर, टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव, या क्या कहते हैं, हम इस तरीके से लिख दें ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. देखिए ये जो ए एक्स प्लस बी है, ये लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है, और ये जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा. अब थर्ड आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है. थर्ड है क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो क्या कहते हैं कि आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है. क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या कहते हैं, द पॉलिनोमियल, द पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री, हैविंग डिग्री थ्री इज कॉल्ड, इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल, इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना. अब क्यूबिक क्या कहते हैं कि इसमें जो है, जैसे हमको अब क्या कहते हैं, कोई इसमें एग्जांपल देना हो तो क्या हो सकता है कि एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव, ठीक है ना, या सिक्स एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री,
स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब उसके बाद आता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फोर्थ है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसमें क्या कहते हैं, क्या है द पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री फोर इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री फोर इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है ना, अब इसमें क्या कहते हैं, क्या हो सकता है x, जैसे x टू दी पावर 4 प्लस 5 एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 2, देखिए डिग्री 4 हो गया। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो ए एक्स टू दी पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, यह बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज आल्सो नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना, इसको ध्यान दीजिएगा, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज आल्सो नोन एज क्वाड्रेटिक, क्यू यू ए आर टी आई सी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। पॉलिनोमियल ये तो हो गया, क्या कहते हैं आपका टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, कौन कौन सा बता दिया, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब इसके बाद आता है द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे निकलेगी, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल जैसे क्या कहते हैं, द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ पी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए इज पी ए ऑब्टेन्ड ऑन रिप्लेसिंग एक्स इज पी, जैसे क्या कहते हैं हमको क्या कोई इक्वेशन दिया हो, ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब जैसे पी एक्स स्क्वायर, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू, अब हमें वैल्यू इसकी निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, जो हमें कुछ वैल्यू दी होगी, सपोज करिए हमें कहा एक्स एक्स इज इक्वल टू टू पे इसकी वैल्यू बताइए, तो आप क्या करेंगे x की जगह 2 रिप्लेस करेंगे, तो p2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 टू जो 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2 कितना हो गया 4 प्लस 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 12, तो क्या कहते हैं पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई 12। इस तरीके से वैल्यू रिप्लेस करके जो निकालते हैं उसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, तो वैल्यू द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए एट एक्स इज इक्वल टू ए इज पी ए, ठीक है ना, ऑब्टेन्ड
by replacing x by a. ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने लिख दिया है, ठीक है ना। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज आ रही कि जीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल, ठीक है। जीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल को कैसे क्या कहते हैं वो करेंगे, तो इसमें देखिए कि सबसे पहली चीज कि अ रियल नंबर इज नोन एज जीरो ऑफ दी, जिस भी वैल्यू को रखने के बाद अगर पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है तो पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है, वही उसका जीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल होता है, ठीक है ना। जिसको भी जैसे क्या कहते हैं, अगर हम ये देखें कि एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर है, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर है, ठीक है ना। अगर हम यहाँ एक्स ये पी एक्स इज इक्वल टू है, ठीक है, अगर हम एक्स इज इक्वल टू टू रखें पी टू, तो क्या होगा, टू का स्क्वायर फोर माइनस एट प्लस फोर। अब देखिए क्या हो जाएगा, फोर प्लस फोर एट माइनस एट जीरो, तो ये पी टू जो है ये टू इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, टू इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब ये है कि जिस वैल्यू को रखने से क्या कहते हैं पावर ये एक्सप्रेशन जीरो हो जाता है, वही उसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता है, ठीक है ना। क्या कहते हैं, तो आप कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे कि अ रियल नंबर के इज सेड टू बी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इफ पी के इज इक्वल टू जीरो, पी एक्स इफ पी के इज इक्वल टू जीरो, इफ पी के इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। इसको बोलते हैं क्या कहते हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। एक क्या कहते हैं, एक आध एग्जाम्पल और दिखा दूं आपको, जैसे ये पी एक्स इज इक्वल टू